हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट श्रॉडिंगर वेव इक्वेशन एंड वी ऑल नो कि श्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो दो टाइप की है दन इज टाइम इनडिपेंडेंट एंड द अनदर वन इज टाइम डिपेंडेंट सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिसकस अबाउट टाइम डिपेंडेंट श्रॉडिंगर वेव इक्वेशन सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले बात आती है कि ये डील करती है विद मैटर वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स ओके okay? एंड साई जो कि वेव फंक्शन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैटर वेव्स को हम किस से डील कर रहे हैं मैटर वेव से और उन्हें किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं साई से ओके नाउ इक्वेशन फॉर पार्टिकल मूविंग फ्रीली इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो हम इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमें पता है कि पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है फ्रीली इन एक्स डायरेक्शन तो कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन वन बन जाएगी जिसे हम वन इक्वेशन बोलेंगे ठीक है आप इसको बॉक्स में डाल सकते हैं क्योंकि इसी के थ्रू आपने आगे के स्टेप करने हैं ठीक है अब आ, हमें पता है आ, कि जो हमारे पास आ, ओमेगा है या डब्ल्यू है उसको हम टू पाई न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे एंड न्यू जो है ई e जो है वो एच वाई न्यू होता है तो न्यू जो है वो ई वाई एच है ठीक है तो इस तरह से आ गया और के को हम टू आ, आ, पाए वाई लैमडा एंड टू पाए पी अपॉन एच क्योंकि लैमडा एच अपॉन पी होता है ठीक है तो अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन वन में तो चलिए आगे के स्टेप्स पर हम वैसे करते हैं <coughs> जैसे ही हमने ये वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया तो जो भी हमारे पास कॉमन था उसको हमने बाहर लिख लिया बाकी ये ब्रैकेट के अंदर आ गया अब हम जानते हैं कि h क्या होता है h कट क्या होता है upon pi, okay? तो pi upon h अपॉन टू पाए ओके तो टू पाई अपॉन एच क्या हुआ यहाँ एच कट आ गया और यहाँ पे माइनस आई अपॉन एच कट ओके तो ये हमारी इक्वेशन टू वन की ठीक है जैसे ही हमने इक्वेशन वन में वैल्यूज को पुट किया तो इक्वेशन टू बन गई अब क्या करेंगे डिफ्रेंशियशन कर देंगे एक्स के साथ ट्वाइसली जब हमने ट्वाइस डिफ्रेंशिएशन की तो यहाँ पे आया डी स्केयर साय अपॉन डी एक्स का स्केयर एक्स क्यों क्योंकि हमने एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन की और डबल डिफरेंशिएशन ये है ठीक है तो इसलिए स्केयर आया और डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी पी स्केयर एक्स की वो कुछ इस तरह से आएगी ओके एंड आफ्टर दैट जब हमने टी के साथ इसकी डिफरेंशिएशन की ओके okay, अगर हमने uh, अब यहाँ पे पी स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि uh, हमें पता है कि यहाँ पे क्या था पी एक्स था जब हमने एक्स के साथ डबल डिफ्रेंशिएशन की तो यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर साई की वैल्यू आई ओके okay? लेकिन जब हमने टी के साथ सिंगल डिफरेंशिएशन की तो हमारे पास ई साई की वैल्यू आई ओके okay? तो इस तरह से इस डिफ्रेंशिएशन को सॉल्व करने पर हमारे पास ई साई की वैल्यू आ जाएगी अब हमें पता है टोटल एनर्जी कितनी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो इस तरह से काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को फिल करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे उन्हें साई के साथ अब हमारे पास इक्वेशन फोर में क्या है ई e साई की वैल्यू है ओके okay, उसे यहाँ पुट करेंगे पी के साई की वैल्यू है उसे यहाँ पुट करेंगे एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रॉडिंगर वेव इक्वेशन की इक्वेशन uh, आ जाएगी So this is all about Schrodinger wave equation hope you all understand it please like share and subscribe my channel thank you